शोकेस सेट पर और सेट के पीछे क्या होता है ये जानकर आप चौंक जाओगे और टेबल पर इस तरह के आर्ट कैसे बनाए जाते हैं ये जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। बस बाकी कामों को फिलहाल साइड करो और आराम से इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर वन, आप अपने हाथ को जब ऐसे करते हो मतलब ऐसे टेढ़ा करते हो तो आपके हाथ में देखो ऐसे दो परपेंडिकुलर बोन्स होते हैं और जब आप अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा करते हो तो ये बोन्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं बिल्कुल ऐसे, बट ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर टू, जीसस क्राइस्ट नाम का एक लिजर्ड होता है और उसके पास नेचुरली ऐसा एबिलिटी होता है कि वो पानी पर चल सकता है। मतलब सोचो पानी पर चलना कितना क्रेजी बात है, बट ये लिजॉर्ड कर लेते हैं। नंबर थ्री, आप अपने फोन से जो फोटो क्लिक करते हो वो कितने एमबी का होता है? मैक्सिमम 3-4 MB का है ना, बट ये देखो ये एक 120,000 मेगापिक्सल का एक फोटो है और देखो आप इस इमेज के किसी भी पार्ट को जूम्ड इन करोगे तो वहाँ का बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देगा, मतलब अमेजिंग। नंबर फोर, बैरले फिश नाम की एक मछली होती है जो ओशियन के लोअर पार्ट में पाई जाती है, तो देखो उसका जो सिर होता है ना वो मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके हेड के अंदर क्या है। सोचो ऐसा इंसानों का होता तो। नंबर फाइव, आपने देखा होगा कि कुर्सी टेबल पर ऐसे ट्री जैसा कुछ आर्ट बना होता है, तो इस आर्ट को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखो। कुछ इस तरह के बर्निंग टेक्निक को यूज करके इस आर्ट को बनाया जाता है और देखो कितना गजब लगता है। नंबर सिक्स, देखो जो रोल्स रॉयस कार्स होती है उसके डोर के गेट में देखो एक अम्ब्रेला भी होता है ताकि कार से बाहर निकलने के बाद भी आपको धूप ना लगे, भाई रोल्स रॉयस से इतना तो बनता है। नंबर सेवन, कुछ इंसानों को एक सिंड्रोम होता है जिसे पैक्टस एक्सवेटम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो चेस्ट होता है ना वैसे अंदर की ओर धंसा रहता है, ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन हो, बट नहीं वो एक्चुअल में वैसा ही होता है। नंबर एट, आपको पता होगा कि पानी पानी में मिल जाता है बट अगर उसी पानी का डेंसिटी अलग अलग हो तो वो नहीं मिलेगा, जैसे कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के पानी एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो देखो, इस एक ही कंटेनर में अलग अलग लिक्विड को डाला गया है और उनका डेंसिटी अलग अलग है और इसलिए ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। नंबर नाइन, जो BMW कार होती है तो उसमें जो कैमरा लगा होता है उसको क्लीन करने का प्रोसेस देखो कितना गजब होता है, क्या कि बगल में एक क्लीनर लगा होता है और ऐसे निकलता है और क्लीन कर देता है। नंबर टेन, क्या आपको पता है कि कोई भी अवार्ड शो जो होता है वो बोरिंग होता है, मतलब लोग उतना देखना पसंद नहीं करते। हाँ ये सब जान लेते हैं कि कौन क्या जीता कौन हारा, बट देखते नहीं है, इसलिए कभी कभी स्टेज पर फेक प्रैंक्स किए जाते हैं, जैसे इसने उसको थप्पड़ मार दिया, इसको किस कर लिया, उसका इंसल्ट कर दिया, ये सब ताकि लोग देखें और शो का रेटिंग बढ़े और उससे पैसे आए, और ज्यादातर अवार्ड शोज में या रियलिटी शोज में यही होता है। बट हाँ, विल स्मिथ और क्रिस रॉक वाला इंसिडेंट कोई प्री प्लान नहीं था, विल स्मिथ को गुस्सा आया इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा, बट ज्यादातर शोज में ऐसे वाले इंसिडेंट प्री प्लान होते हैं। तो ये था इसका रियलिटी। चलो वीडियो खत्म, जो करना है वो सब कर दो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।